आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के दो खंभों के बीच तार झूलता हुआ दिखाई देता है, वह एकदम सीधा कसकर बंधा हुआ नहीं होता। बिजली इंजीनियर कहते हैं कि बिजली के तार में जितने भी मोड़ होते हैं उतना ही बिजली का लॉस होता है। यदि तार को सीधा रखा जाए तो बिजली का खर्चा कम होता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार यह बात जानती है तो फिर दो बिजली के पोलों के बीच के तार को ढीला छोड़कर बिजली का खर्चा क्यों बढ़ाती है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर कर्मचारियों की लापरवाही? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने यह देखा और महसूस किया है कि जब भी कोई धातु गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है और जब ठंडी होती है तो उसमें सिकुड़न यानी संकुचन पैदा होता है। इसीलिए सर्दियों में तार संकुचन के कारण टूटकर जमीन पर ना गिर जाए तो तार को ढीला छोड़ा जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।